अरे भाभी जी, गेट खोलो खोलो जल्दी। अरे देवर जी, क्या हो गया? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो अंदर। हाँ तो बताओ ना देवर जी। भाभी जी, पहले अंदर तो चलो, तब बताऊंगा। अच्छा ठीक है देवर जी। ये बताओ भाभी जी, आप ठीक तो हो ना? अरे देवर जी, भला मुझे क्या हुआ है? अरे भाभी जी, रात को कमरे से बाहर आपकी आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे आपको बहुत दर्द हो रहा हो। अच्छा वो, अरे हाँ, अरे वो देवर जी क्या है ना, वो कल रात मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए दर्द भरी आवाजें निकल रही थी। अरे भाभी जी, मैं आपका सिर दबा दूँ, तुरंत आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं, रहने दो देवर जी, आप आराम है। अच्छा तो भाभी जी, एक बात पूछो आपसे। हाँ हाँ देवर जी। आपको रोज रात में सिर में दर्द रहता है क्या? नहीं तो देवर जी। अच्छा तो मैं जब भी आपके कमरे के बाहर आता हूँ तो आपकी दर्द भरी आवाजें सुनाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे भैया आपकी जोर जोर से पिटाई कर रहे हो। अरे 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 देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल वो क्या है ना, आपके भैया और मैं रोज रात में मिलकर एक गेम खेलते हैं, जिसमें मैं हमेशा हार जाती हूँ, और हारने के बाद मुझे बहुत दर्द होता है। बस यही सब बात है देवर जी। अरे भाभी जी, ऐसी बात है? अब ये गेम मैं भी आप दोनों के साथ खेलूंगा, और मैं आपके साइड रहूंगा, फिर देखता हूँ कि आप कैसे हारती हो ये गेम। ये लो, आपके भैया आ गए, इन्हें से पूछ लो अब गेम के बारे में। अरे भैया, जो गेम आप और भाभी रात में खेलते हो ना, अब मैं भी खेलूंगा आप दोनों के साथ। अरे कालू, इस गेम की कैप्टन तेरी भाभी है, उन्हीं से पूछ लो। हाँ तो भाभी जी, क्या करना है? अरे देवर जी, ये गेम तो मुझे आपके भैया जी ने ही मुझे सिखाया है, उन्हीं से पूछ लो। अरे भैया, अब आप ही बता दो ना। अरे कालू, लगता है पापा बुला रहे मुझे, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये लो भाभी जी, भैया तो गए, अब आप ही बता दो ना मुझे इस गेम के बारे में। आ रही हूँ सासू माँ। अरे देवर जी, लगता है मुझे सासू माँ बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। न तेरी की। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने इन दोनों को कि एक को पापा बुलाने लगे और एक को सासू माँ? लगता है मुझे भी कोई बुला रहा है, चलता हूँ अब।